हेलो गाइज, माय नेम इज विशाल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल एडिटर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से ट्रांसपेरेंट इसमें फोटो एडिट कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना और ध्यान से देखना, तभी आपको पूरी प्रोसेसिंग समझ में आएगी। तो दोस्तों, हम प्रोसेसिंग समझाने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर फुल ट्यूटोरियल बताने के लिए कि आप पिक्सआर्ट से ट्रांसपेरेंट स्मोक फोटो कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आपको सिंपली करना क्या होगा, अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके का इंटर अपरेंट आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ बीच में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जिस फोटो को एडिट करना है उस फोटो को सिंपली अपने फोटो में से सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों, जैसे कि मैं इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ कटआउट का सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर्सन पर क्लिक कर देना है। इस पर आपके कुछ प्रोसेस होगी। देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरीके से क्रॉप, मेरा मतलब कि इरेज हो गया है। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इस इरेज वाले ऑप्शन पर दबा आपको क्लिक करना है और इसकी साइज़ को थोड़ा कम कर देना है और फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से दोस्तों इसे इरेज कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके फेस एंड हैंड को छोड़कर हर जगह से इसे क्रॉप कर देना है दोस्तों, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसे क्रॉप इरेज, मेरा मतलब कि इरेज कर देना है दोस्तों। कुछ जगह रह गई हूँ तो दोस्तों उन्हें इस तरीके से इरेज कर देना होगा दोस्तों, जैसे कि मैं दोबारा से वही कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से इसे इरेज कर देना होगा दोस्तों, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसे देख लेना होगा कि आपकी फ़ोटो कैसी इरेज हुई है। और दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ राइट का बटन मिल जाता है, सेव का बटन मिल जाता है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों फिट का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इसके बैकग्राउंड को आपको ब्लैक रख देना है। ब्लैक रखने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको राइट का बटन मिल जाता है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, देखिए ये, इस पर सिंपली आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों, आपने जो भी स्मोक PNG फोटो सेव किए हैं उन्हें सिंपली आप यहाँ ऐड करते जाना है दोस्तों, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये दोस्तों, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है। और इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, एक और PNG फोटो आपको ले लेना है, इसे कुछ इस तरीके से करना है और आपको स्क्रॉल करना है। और दोस्तों, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ब्लेंड का। तो दोस्तों, आपको ब्लेंड पर क्लिक करना है और ब्लेंड टू स्क्रीन कर देना है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके से, और सिंपली राइट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोबारा से ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर आना है दोस्तों, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली और PNG फोटो ऐड इसमें करने हैं दोस्तों अभी से, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया दोस्तों, उसी तरीके की फ़ोटो मैं आज आपको यहाँ एडिट करके बताने वाला हूँ दोस्तों। और सिंपली आपको करना क्या होगा दोस्तों, इस तरीके के करके आपको यहाँ इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और इसे कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है दोस्तों। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ राइट का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ एक और ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको एक और PNG फोटो एडिट करनी होगी दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, मैं सिगरेट वाली फ़ोटो को इसमें ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। और सिंपली आपको यहाँ इरेज का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस फोटो को जूम करके इसे इरेज वाले ऑप्शन पर आकर इसकी साइज़ को थोड़ा कम करके इसे अच्छी तरीके से इरेज कर देना है दोस्तों। तो आपको इसे अच्छे से इरेज कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। इसे अच्छी तरीके से इरेज कर देना है दोस्तों आपको, जैसे कि मैं कर रहा हूँ।
इतना करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ राइट का बटन मिल जाता है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोबारा से इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड फोटो पर जाना है दोस्तों, इस वाले ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक और स्मोक पीएनजी फ़ोटो ले लेना है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये ले लिया है अभी, और इसे कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है दोस्तों। दोस्तों कुछ इस तरीके से इसे ऐड कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ राइट का बटन मिल जाता है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों टूल्स का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसकी कॉन्ट्रास्ट की अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देना है, और इसकी क्लियरिटी की अमाउंट को भी थोड़ा बढ़ा देना है, और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ राइट का बटन मिल जाता है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ स्क्रॉल करते हुए आना है, और आपको यहाँ ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ थ्री डॉट नज़र आए होंगे दोस्तों, इन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों सेव इमेज का, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी फ़ोटो एकदम HD क्वालिटी में सेव हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।